27 तारीख की खेसारी के साथ हुए घटना को बीते 5 दिन हो चुका है और इन 5 दिनों में लोगों की नजरें इसी खबर पर बनी रही कि खेसारी की तरफ से कौन सी प्रतिक्रिया आई है या फिर सुधीर की तरफ से कौन सी प्रतिक्रिया आई है। सुधीर ने अभी तक सिर्फ 2 ही बार खेसारी की बातों का जवाब दिया है और 2 ही बार खेसारी लाल ने भी लाइव आकर अपने ऊपर हुए सारी आपबीती बताई है। लेकिन अगर हम खेसारी का पहला वीडियो देखें तो सोशल मीडिया पर उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उस वीडियो में खेसारी ने सुधीर सिंह पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने एक पोस्ट का जिक्र भी किया था जिसके जरिए खेसारी को ये शक हुआ कि वैशाली में मेरे ऊपर हमला सुधीर सिंह ने ही करवाया है। उस पोस्ट में सुधीर ने लिखा भी था कि वैशाली से मैंने अश्लीलता के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। लेकिन खेसारी ने जैसे ही सुधीर के इस पोस्ट का जिक्र लाइव आकर किया, वैसे ही सुधीर सिंह ने अपने टाइमलाइन से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो क्या सुधीर सिंह की गलती यहां से नहीं छलकती? अगर सुधीर साफ थे और नेक दल थे, अगर उन्होंने हमला नहीं करवाया तो फिर क्यों उन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया? इस पर सभी का सवाल खड़ा हो गया है। जिस पोस्ट को आप लोग हमारे इस वीडियो में देख पा रहे हैं, वो पोस्ट अब आपको सुधीर की टाइमलाइन पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खेसारी लाल ने लाइव आकर जैसे ही पोस्ट का जिक्र किया था, सुधीर सिंह के टाइमलाइन से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।